हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956। हिंदुओं में दत्तक तथा भरण पोषण से संबंधित विधि को संशोधन और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के 7वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। अध्याय एक, प्रारंभिक। पहला, संक्षिप्त नाम और विस्तार। एक, यह अधिनियम हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 कहा जा सकेगा। दो, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। दूसरा, अधिनियम का लागू होना। एक, यह अधिनियम लागू है क ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार जिसके अंतर्गत वीरशैव, लिंगायत अथवा ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज में अनुनायी भी आते हैं, धर्मतः हिंदू हो। ख, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मतः बौद्ध, जैन या सिख हो तथा ग, ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो धर्मतः मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी ना हो, जब तक कि यह साबित ना कर दिया जाए कि यदि वह अधिनियम पारित ना किया गया होता तो कोई भी ऐसा व्यक्ति एतस्मिन उपबंधित किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भाग रूप किसी भी रूढ़ी या प्रथा द्वारा शासित ना होता। स्पष्टीकरण, निम्नलिखित व्यक्ति धर्मतः यथा स्थित हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख है। क, कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता दोनों ही धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हों। ख, कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता में से कोई एक धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो और जो उस जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो जिसका वह माता या पिता सदस्य है या था। कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जो अपने पिता और माता दोनों द्वारा परित्यक्त कर दिया गया हो अथवा जनकता ज्ञात ना हो और जो दोनों में से किसी भी दिशा में हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख के रूप में पला हो तथा ग, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, जैन या सिख धर्म के में संपरिवर्तित या प्रतिसंपर्वित हो गया हो। दो उपधारा एक में अंतवृष्ट किसी भी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतवृष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुसार अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के हों लागू ना होगी जब तक कि केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्देश ना कर दे। तीन, इस अधिनियम के किसी भी प्रभाग में आए हुए हिंदू पद का अर्थ ऐसा लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यद्यपि धर्मतः हिंदू नहीं है, तथापि ऐसा व्यक्ति जिसे यह अधिनियम इस धारा में अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर लागू होता है। तीसरा, परिभाषाएं। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो क, रूढ़ी और प्रथा पद ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते हैं जिसने दीर्घ काल तक निरंतर और एक रूपता से अनुपालित किए जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, आदमी, जनजाति, समुदाय, समूह या कुटुंब के हिंदुओं में विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया हो, परंतु यह तब जबकि वह नियम निश्चित हो और अयुक्ति युक्त या लोकनीति के विरुद्ध ना हो, तथा परंतु यह और भी कि ऐसे नियम की दशा में जो एक कुटुंब को ही लागू हो
उसकी निरंतरता उस कुटुंब द्वारा बंद न कर दी गई हो। ख भरण पोषण के अंतर्गत एक सब दिशाओं में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सीय परिचर्या और इलाज के लिए उपबंध आता है। दूसरा अविवाहिता पुत्री की दशा में उसके विवाह के युक्तियुक्त और प्रासंगिक व्यय भी आते हैं। ग अप्राप्त वय से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। टिप्पणी रूढ़ी और प्रथा का अर्थ स्पष्ट किया गया और साधारण रूढ़ी और विशेष रूढ़ी की व्याख्या की गई। चौथा अधिनियम या अध्यारोही प्रभाव। इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय क हिंदू विधि का कोई ऐसा शास्त्र, वाक्य, नियम या निर्वाचन या उस विधि की भाग रूप कोई भी रूढ़ी या प्रथा जो कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से अव्यवहित पूर्व प्रवृत्ति रही हो, ऐसे किसी भी विषय के बारे में जिसके लिए कि इस अधिनियमित में उपबंध किया गया है प्रभावहीन हो जाएगी। ख इस अधिनियम के प्रारंभ से अव्यवहित पूर्व प्रवृत्ति किसी भी अन्य विधि का हिंदुओं को लागू होना वहां तक बंद हो जाएगा जहां तक कि वह इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों से किसी में से भी असंगत हों। अध्याय दो दत्तक। पाँच दत्तक इस अध्याय द्वारा विनियमित होंगे। एक किसी हिंदू के द्वारा या निमित्त कोई भी दत्तक इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात इस अध्याय में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किए जाने के सिवाय नहीं किया जाएगा और उक्त उपबंधों के उल्लंघन में किया गया कोई भी दत्तक शून्य होगा। दो किसी ऐसे दत्तक से जो शून्य है, ना तो दत्तक कुटुंब में किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी ऐसे अधिकार का सृजन होगा जिसे वह दत्तक के कारण अर्जित करने के सिवाय अर्जित नहीं कर सकता था, और ना किसी भी व्यक्ति के वे अधिकार ही नष्ट होंगे जो उसे अपने जन्म के कुटुंब में प्राप्त हैं। छः विधिमान्य दत्तक संबंधी अपेक्षाएं। कोई भी दत्तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि एक दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक लेने के सामर्थ्य और अधिकार ना रखता हो, दो दत्तक देने वाला व्यक्ति ऐसा करने की सामर्थ्य ना रखता हो, तीन दत्तक व्यक्ति दत्तक में लिए जाने योग्य ना हो, और चार दत्तक इस अध्याय में वर्णित अन्य शर्तों के अनुवर्तन में ना किया गया हो। सात हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य। किसी भी हिंदू पुरुष को जो स्वस्थ चित्त और अप्राप्तवय ना हो, यह सामर्थ्य होगी कि वह पुत्र या पुत्री दत्तक ले, परंतु यदि उसकी पत्नी जीवित हो तब तक कि पत्नी पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग ना कर चुकी हो, वह हिंदू ना रह गई हो या सक्षम अधिकारिकता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित कर दिया हो कि वह विकृत चित्त की है, तब तक वह अपनी पत्नी के सम्मति के बिना दत्तक नहीं लेगा। स्पष्टीकरण। यदि किसी व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां दत्तक के समय जीवित हों, तो जब तक कि पूर्ववर्ती परंतुक में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी के लिए उनमें से किसी की सम्मति अनावश्यक ना हो, सब पत्नियों की सम्मति आवश्यक होगी। टिप्पणी पुरुष हिंदू द्वारा दत्तक लेना को चुनौती। दत्तक ग्रहण का समर्थन करने वाले पक्षकार को यह साबित करने के लिए कि दत्तक ग्रहण
उसकी पत्नी की सहमति से हुआ था साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। जहां दत्तक समारोह संपन्न हुआ था उस स्थान पर लोगों के जमावड़े में पत्नी का केवल उपस्थित रहना उसकी सहमति नहीं मानी जा सकती। 8, हिंदू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्य। कोई भी हिंदू नारी जो स्वस्थ चित्त है और अप्राप्तव्य नहीं है, वह पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने की सामर्थ्य रखती है। परंतु यह है, यदि उसका पति जीवित हो तो वह उसके पति की सहमति के सिवाय पुत्र या पुत्री को दत्तक नहीं लेगी, जब तक कि पति पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग ना कर चुका हो, या हिंदू नहीं रह गया हो, या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित कर दिया हो कि वह विकृत चित्त का है। 9, दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति। अपत्य के पिता या माता या संरक्षक के सिवाय कोई व्यक्ति अपत्य को दत्तक देने की समर्थ नहीं रखेगा। 2 उपधारा 4 के उपबंधों के अध्याधीन पिता या माता यदि जीवित हों तो उन्हें दत्तक में पुत्र या पुत्री को देने का समान अधिकार होगा, परंतु यह कि ऐसा अधिकार उनमें से किसी एक द्वारा अन्य की सहमति के सिवाय प्रयोग में नहीं लाया जाएगा, जब तक कि उनमें से कोई एक पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग न कर चुका हो, या हिंदू नहीं रह गया हो, या सक्षम अधिकारिकता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषणा कर दिया हो कि वह विकृत चित्त का है। जहां माता और पिता दोनों मर चुके हों, या पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग कर चुके हों, या अपत्य को त्याग चुके हों, या सक्षम अधिकारिकता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित कर दिया हो कि वह विकृत चित्त हैं, या जहाँ की अपत्य की जनकता ज्ञात ना हो, तो उस अपत्य का संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से उस अपत्य को किसी भी व्यक्ति को जिसके अंतर्गत स्वयं वह संरक्षक भी आता है दत्त दे सकेगा। 5, न्यायालय किसी संरक्षक को उपधारा 4 के अधीन अनुज्ञा देने के पूर्व इस बात को ध्यान में रखकर कि अपत्य की आयु और समझने की शक्ति कितनी है, दत्तक दिए जाने के संबंध में अपत्य की इच्छा पर सम्यक विचार करके अपना इस बारे में समाधान कर लेगा कि दत्तक दिया जाना अपत्य के लिए कल्याणकार होगा या नहीं, और यह कि दत्तक देने के प्रतिफल स्वरूप कोई संदाय या इनाम ऐसे किसी संदाय या इनाम के सिवाय जैसे कि न्यायालय मंजूर करे अनुज्ञा के लिए आवेदन करने वाले ने ना तो प्राप्त किया है और ना प्राप्त करने का करार किया है, और ना किसी भी व्यक्ति ने आवेदन करने वाले को किया या दिया है, और ना ही करने या देने के लिए करार उससे किया है। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, पहला, पिता और माता पदों के अंतर्गत दत्तक पिता और दत्तक माता नहीं आते हैं। संरक्षक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी देखरेख में किसी अपत्य का शरीर या उसका शरीर और संपत्ति दोनों हों और इसके अंतर्गत आते हैं। का अपत्य के पिता या माता की विल द्वारा नियुक्त संरक्षक तथा ख किसी न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक तथा न्यायालय से ऐसा नगर सिविल न्यायालय या जिला न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी आधिकारिकता की स्थानीय सीमाओं के अंदर दत्तक लिया जाने वाला अपत्य मामूली तौर पर निवास करता है। 10, व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं।
कोई भी व्यक्ति दत्तक लिए जाने के योग्य ना होगा जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी ना हों, अर्थात पहला, वह हिंदू है, दूसरा, वह पहले से ही दत्तक नहीं लिया जा चुका है या ली जा चुकी है, तीसरा, उसका विवाह नहीं हुआ है तब के सिवाय जबकि पक्षकारों को लागू होने वाली कोई ऐसी रूढ़ी या प्रथा हो जो विवाहित व्यक्तियों का दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो, चौथा, उसने 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तब के सिवाय जबकि पक्षकारों को लागू होने वाली कोई ऐसी रूढ़ी या प्रथा हो जो ऐसे व्यक्तियों का जिन्होंने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती है। 11. विधिमान्य दत्तक की अन्य शर्तें। हर दत्तक में निम्नलिखित शर्तें पूरी की जानी होंगी। पहला, यदि पुत्र का दत्तक है तो दत्तक लेने वाले पिता या माता की जिनके द्वारा दत्तक लिया जाए कोई हिंदू पुत्र, पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र, चाहे धर्मज रक्त नातेदारी से हो या दत्तक से, दत्तक के समय जीवित ना हो। दूसरा, यदि पुत्री का दत्तक है तो दत्तक लेने वाले पिता या माता की जिनके द्वारा दत्तक लिया जाए कोई हिंदू पुत्री या पुत्री की पुत्री, चाहे धर्मज रक्त नातेदारी हो या दत्तक से, दत्तक के समय जीवित ना हो। 3. यदि दत्तक किसी पुरुष द्वारा लिया जाना है और दत्तक में लिया जाने वाला व्यक्ति नारी है तो दत्तक पिता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम 21 वर्ष बड़ा हो। 4. यदि दत्तक किसी नारी द्वारा लिया जाना है और दत्तक लिया जाने वाला व्यक्ति पुरुष है तो दत्तक माता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम 21 वर्ष बड़ी हो। 5. वही अपत्य एक साथ दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा दत्तक नहीं लिया जा सकेगा। 6. दत्तक लिया जाने वाला अपत्य संप्रतक जनक को संरक्षक द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन उस अपत्य के कुटुंब से जहां वह जन्मा हो अथवा परित्यक्त अपत्य की दिशा में, ऐसे अपत्य की दशा में जिनकी जनकता ज्ञात ना हो, उस स्थान का कुटुंब से जहां वह पला हो, उसका दत्तक लेने वाले कुटुंब में उसे अंतरिक्त करने के आशय से वस्तुतः दिया और लिया जाएगा। परंतु दत्त होमम का किया जाना किसी दत्त की विधिमान्यता के लिए आवश्यक नहीं होगा। 12. दत्तक के परिणाम। दत्तक अपत्य दत्तक की तारीख अपने दत्तक पिता या माता का अपत्य समस्त प्रयोजनों के लिए समझा जाएगा और ऐसी तारीख से यह समझा जाएगा कि उस अपत्य के अपने जन्म के कुटुंब के साथ समस्त बंधन टूट गए हैं और उनका स्थान उन बंधनों ने ले लिया है जो दत्तक कुटुंब में दत्तक के कारण सृजित हुए हों। परंतु क, वह अपत्य किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकेगा जिससे कि यदि वह अपने जन्म के कुटुंब में ही बना रहा होता तो वह विवाह ना कर सकता। ख, कोई भी संपत्ति जो दत्तक अपत्य में दत्तक के पूर्व निहित थी, ऐसी संपत्ति के स्वामित्व से संलग्न बाध्यताओं के यदि कोई हो अध्यधीन, जिनके अंतर्गत उसके जन्म के कुटुंब में के नातेदारों का भरण पोषण करने की बाध्यता भी आती है, ऐसे व्यक्ति में निहित बनी रहेगी। ग, दत्तक अपत्य
किसी व्यक्ति को उस संपदा से निर्निहित नहीं करेगा जो उस व्यक्ति में दत्तक के पूर्व निहित हो गई है। टिप्पणी: घोषणा, विभाजन, कब्जा एवं अंतकालीन लाभ के लिए वाद परीक्षण न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया एवं अपील खारिज की गई। द्वितीय अपील में चुनौती: अभी निर्धारित एकमात्र संपत्ति जो दत्तक बच्चे में दत्तक के पूर्व निहित स्थित होती है उसमें अधिनियम की धारा 12 के परंतु ख के तहत निहित होना जारी रहता है एवं प्रत्यार्थी क्रमांक 1 सहदायिका का एक सदस्य होते हुए दत्तक के पूर्व सहदायिकी में अविभाजित भाग रखते हुए नैसर्गिक पिता की सहदायिकी की संपत्तियां उसमें निहित नहीं होती हैं और अधिनियम की धारा 12 के परंतु ख के तहत संरक्षित नहीं होती हैं। अतः प्रत्यार्थी क्रमांक 1 उसके दत्तक के पश्चात उक्त पैतृक संपत्ति के विभाजन के लिए हकदार नहीं है। अवर न्यायालयों ने अधिनियम की धारा 12 के परंतु ख का प्रभाव यह ठहराते हुए प्रत्यार्थी के बाद को डिक्री करते हुए मूल्यांकित करने में त्रुटि कारित की कि प्रत्यार्थी के नैसर्गिक पिता के कुटुंब की अविभाजित पैतृक संपत्तियां उसमें निहित थीं। अवर न्यायालयों का ऐसा निष्कर्ष ऊपर अवेक्षित विधिक स्थिति के आलोक में कायम नहीं रहा जा सकता। अपील मंजूर। 13 दत्तक जनकों का अपनी संपत्तियों के व्ययन का अधिकार। तत्प्रतिकूल करार के अध्याधीन यह है कि कोई दत्तक किसी दत्तक पिता या माता को अपनी संपत्ति जीवाभ्यंतर अंतरण द्वारा या विल द्वारा व्ययनित करने की शक्ति से वंचित नहीं करता। 14 कुछ दशाओं में दत्तक माता का अवधारणा। पहला, जहां कोई हिंदू जिसकी पत्नी जीवित है किसी अपत्य को दत्तक लेता है वहां वह दत्तक माता समझी जाएगी। 2 जहां दत्तक एक से अधिक पत्नियों की सम्मति से किया गया है वहां उनमें से सबसे पूर्व विवाहित दत्तक माता समझी जाएगी और अन्य सौतेली माताएं समझी जाएंगी। 3 जहां कोई विधुर या कुंवारा किसी अपत्य को दत्तक लेते हैं वहां ऐसी कोई पत्नी जिससे वह तत्पश्चात विवाह करे दत्तक अपत्य की सौतेली माता समझी जाएगी। 4 जहां कोई विधवा या अविवाहित नारी किसी अपत्य को दत्तक लेती है वहां कोई पति जिससे वह तत्पश्चात विवाह करे दत्तक अपत्य का सौतेला पिता समझा जाएगा। 15 विधिमान्य दत्तक रद्द ना किया जाएगा। कोई भी दत्तक जो विधिमान्यतः किया गया है दत्तक पिता या माता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रद्द ना किया जा सकेगा और ना दत्तक अपत्य अपनी ऐसी हैसियत का त्याग कर सकेगा और ना वह अपने कुटुंब में वापस जा सकेगा। 16 दत्तक से संबंधित रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के बारे में उपधारणा। जब कभी भी तत्समय प्रवत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई ऐसी दस्तावेज जिसमें किसी किए गए दत्तक का अभिलिखित होना तत्पारित हो और जो अपत्य को दत्तक देने और लेने वाले व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित हो किसी न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए तब जबकि और यदि उसे नासाबित ना कर दिया जाए वह न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह दत्तक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में किया गया है।
टिप्पणी। दत्तक की विधि मान्यता देने और लेने के समारोह के 8 वर्ष पश्चात दत्तक विलेख का रजिस्ट्रीकरण साक्ष्य द्वारा साबित कोई खंडन साक्ष्य नहीं, दत्तक विधिमान्य अभी निर्धारित। जब एक बार रजिस्ट्रीकृत दत्तक विलेख न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया जाता है तो दत्तक सिद्ध करने का भार प्रतिपादित करने वाले से उस व्यक्ति पर स्थानांतरित हो जाता है जो दत्तक को चुनौती देता है। 17. कुछ संदायों का प्रतिषेध। 1. किसी व्यक्ति के दत्तक के प्रतिफल स्वरूप कोई भी व्यक्ति कोई संदाय या अन्य इनाम ना तो प्राप्त करेगा और ना प्राप्त करने के लिए करार करेगा, और ना ही कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऐसा संदाय करेगा या इनाम देगा या करने या देने के लिए करार करेगा जिसका प्राप्त करना इस धारा द्वारा प्रतिषिद्ध है। 2. यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा तो वह ऐसे कारावास से जो 6 मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। 3. इस धारा के अधीन कोई भी अभियोजन राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा तन्निमित प्राधिकृत किसी अफिसर की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा। 3. भरण पोषण। 18. पत्नी का भरण पोषण। 1. इस धारा के उपबंधों के अध्याधीन यह है कि हिंदू पत्नी चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात विवाहित हो, अपने जीवन काल में अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार होगी। 2. हिंदू पत्नी अपने भरण पोषण के दावे को संप्रहित किए बिना अपने पति से पृथक रहने के लिए निम्नलिखित किसी भी दशा में हकदार रहेगी। क. यदि उसका पति अभित्यजन अर्थात युक्तियुक्त कारण के बिना और उसकी सम्मति के बिना यह उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका परित्याग करने का या जानबूझकर उसकी उपेक्षा करने का दोषी है। ख. यदि उसका पति उसके साथ ऐसी क्रूरता का व्यवहार करे जिससे उसके अपने मन में इस बात की युक्तियुक्त आशंका पैदा हो कि उसके पति के साथ रहना अपहानिकर या क्षतिकारक होगा। घ. यदि उसके पति की कोई अन्य पत्नी जीवित है। ड. यदि उसका पति उसी ग्रह में जिसमें उसकी पत्नी निवास करती है कोई उपपत्नी रखता है या किसी उपपत्नी के साथ अन्य किसी स्थान में अभ्यस्ततः निवास करता है। च. यदि उसका पति कोई अन्य धर्म में संपरिवर्तित होने के कारण हिंदू नहीं रह गया है, और छ. यदि उसके पृथक होकर रहने का कोई अन्य न्यायोचित कारण है। 3. यदि कोई हिंदू पत्नी अस्थि है या किसी अन्य धर्म में संपरिवर्तित होने के कारण हिंदू नहीं रह गई है तो वह अपने पति से पृथक निवास करने और भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी। टिप्पणी। कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश को दंडिक से द प्रसं की धारा 125 के तहत तथा सिविल तरफ से हिंदू भरण पोषण अधिनियम एवं अधिनियम के अन्य उपबंधों के तहत प्रकरणों को व्यवहृत करने की समवर्ती अधिकारिता है। प्रत्यार्थीगण को हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के उपनिबंधों के तहत समुचित कदम उठाने की स्वतंत्रता है, परंतु वे द प्रसं की धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा करने के लिए हकदार नहीं है। 19. विधवा पुत्र वधु का भरण पोषण। 1. कोई हिंदू पत्नी चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात
विवाहित हो अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने श्वशुर से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार होगी, परंतु यह तब जबकि और उस विस्तार तक जहाँ तक कि वह स्वयं अपने अर्जन से या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो या उस दशा में जहाँ उसके पास अपने स्वयं की कोई भी संपत्ति नहीं है, वह निम्नलिखित में किसी से अपना भरण पोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ हो। क, अपने पति या अपने पिता या माता की संपदा से, या ख, अपने पुत्र या पुत्री से यदि कोई हो, या उसकी संपदा से। दो, यदि श्वशुर अपने कब्जे में की ऐसी सहदाई की संपत्ति से जिसमें से पुत्र वधु को कोई अंश अभी प्राप्त नहीं हुआ है, श्वशुर के लिए ऐसा करना साध्य नहीं है, तो उपधारा एक के अधीन किसी बाध्यता का परिवर्तन नहीं कराया जा सकेगा और ऐसी बाध्यता का पुत्र वधु के पुनर्विवाह पर अंत हो जाएगा। टिप्पणी, विधवा पुत्र वधु के लिए भरण पोषण प्रदान करने के संबंध में सिविल न्यायालय द्वारा धारा 19 के तहत आदेश पारित किया गया। यदि ऐसा आदेश कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है तो वह अपीलीय है, किंतु तब नहीं जब सिविल न्यायालय आदेश पारित करे, पुनरीक्षण चलने योग्य है। 20, अपत्यों और वृद्ध जनकों का भरण पोषण। 1, इस धारा के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए यह है कि कोई हिंदू अपने जीवन काल के दौरान अपने धर्मज या अधर्मज अपत्यों और वृद्ध या शिथिलांग जनकों का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध है। 2, जब तक कि कोई धर्मज या अधर्मज अपत्य अप्राप्त वय रहे, वह अपने पिता या माता से भरण पोषण पाने के लिए दावा कर सकेगा। 3, किसी व्यक्ति को अपने वृद्ध या शिथिलांग जनकों का या किसी पुत्री का जो अविवाहिता हो, भरण पोषण करने की बाध्यता का विस्तार वहाँ तक होगा जहाँ तक कि जनक या अविवाहिता पुत्री यथास्थिति स्वयं अपने उपार्जनों या अन्य संपत्ति से अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हों। स्पष्टीकरण, इस धारा में जनक के अंतर्गत निसंतान सौतेली माँ भी आती है। 21, आश्रितों की परिभाषा। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए आश्रितों से मृतक के निम्नलिखित नातेदार अभिप्रेत हैं। 1, उसका पिता। 2, उसकी माँ। 3, उसकी विधवा जब तक कि वह पुनर्विवाह ना कर ले। 4, उसका पुत्र या उसके पूर्व मृत पुत्र का पुत्र या उसके पूर्व मृत पुत्र का पुत्र जब तक कि वह अप्राप्तवय रहे, परंतु यह जब तक कि और उस विस्तार तक जहाँ तक कि वह पौत्र की दशा में अपनी माता या पिता संपदा से और प्रपौत्र की दशा में अपने पिता या माता की या पिता के पिता या पिता की माता की संपदा से भरण पोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ हो। 5, उसकी अव्यावाहिता पुत्री या उसके पूर्व मृत पुत्र की अविवाहिता पुत्री या उसके पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की अविवाहिता पुत्री जब तक कि वह अविवाहिता रहती है, परंतु यह तब जबकि और उस विस्तार तक जहाँ तक कि वह पौत्री की दशा में अपने पिता या माता की संपदा से और प्रपौत्री की दशा में अपने पिता या माता की या पिता के पिता या पिता की माता की संपदा से भरण पोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ हो। 6, उसकी विधवा पुत्री, परंतु यह जब की और उस विस्तार तक जहाँ तक कि वह निम्नलिखित में से
किसी से अपना भरण पोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ हो। क, अपने पति की संपदा से, या ख, अपने पुत्र या पुत्री से यदि कोई हो, या उसकी संपदा से, या ग, अपने श्वशुर या उसके पिता से, या उन दोनों में से किसी की संपदा से। 7, उसके पुत्र की या पूर्व मृत पुत्र के पुत्र की कोई विधवा, जब तक कि वह पुनर्विवाह ना कर ले, परंतु यह तब जबकि और उस विस्तार तक जहाँ तक कि वह अपने पति की संपदा से या अपने पुत्र या पुत्री से यदि कोई हो, या उसकी संपदा से, या पौत्र की विधवा की दशा में अपने श्वशुर की संपदा से भी भरण पोषण अभिप्राप्त करने में असमर्थ हो। 8, उसका अप्राप्तवय अधर्मज पुत्र, जब तब कि वह अप्राप्तवय रहे। 9, उसकी अधर्मज पुत्री, जबकि वह अविवाहित रहे। 22, आश्रितों का भरण पोषण। 1 उपधारा 2 के उपबंधों के अध्याधीन यह है कि मृत हिंदू के वारिस मृतक से विरासत में प्राप्त संपदा से मृतक के आश्रितों का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध है। 2, जहाँ की किसी आश्रित ने इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात मृत हिंदू की संपदा में कोई अंश वसीयती या निर्वासीयती उत्तराधिकार द्वारा अभिप्राप्त नहीं किया है, वहाँ इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन यह है कि वह आश्रित उन व्यक्तियों से भरण पोषण प्राप्त करने का हकदार होगा जो उस संपदा को लेते हैं। 3, जो व्यक्ति संपदा लेते हैं उनमें से हर एक का दायित्व अपने द्वारा ली गई संपदा के अंश या भाग के मूल्य के अनुपात में होगा। 4, उपधारा 2 या उपधारा 3 में किसी बात के अंतर्वृष्टि होते हुए भी कोई भी व्यक्ति जो स्वयं एक आश्रित है, अन्यों के भरण पोषण के लिए अभिदाय करने का दायी ना होगा, यदि जो अंश या भाग उसे अभिप्राप्त हुआ हो उसका मूल्य उससे जो उसे भरण पोषण के रूप में उस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णित हो कम हो या कम हो जाएगा, यदि अभिदाय करने के दायित्व का प्रवर्तन किया जाएगा। 23, भरण पोषण की रकम। 1, इस बात को अवधारित करना न्यायालय के विवेकाधिकार में होगा कि क्या कोई भरण पोषण इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दिलवाया जाए, और यदि दिलवाया जाए तो कितना, और ऐसा करने में न्यायालय यथास्थिति उपधारा 2 या उपधारा 3 में उपवर्णित बातों को, जहाँ तक कि वो लागू हैं, सम्यक रूप में ध्यान में रखेगा। 2, पत्नी अपत्यों वृद्ध या शिथिलांग जनकों को यदि कोई भरण पोषण रकम इस अधिनियम के अधीन दी जानी हो तो उसका अवधारण करने में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा। क, पक्षकारों की स्थिति और परिस्थिति को। ख, दावेदार और युक्तियुक्त आवश्यकताओं को। ग, यदि दावेदार पृथकतः निवास कर रहा है तो इस बात को कि क्या दावेदार का ऐसा करना न्यायोचित है। घ, दावेदार की संपत्ति के मूल्य को और ऐसी संपत्ति से या दावेदार के निजी उपार्जनों से या किसी अन्य स्रोत से व्युत्पन्न किसी आय को। ड, इस अधिनियम के अधीन भरण पोषण के हकदार व्यक्तियों की संख्या को। 3, इस अधिनियम के अधीन किसी आश्रित को यदि कोई भरण पोषण की रकम दी जानी है
तो उस रकम के अवधारणा में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा। क, मृतक के ऋणों के संदाय का उपबंध करने के पश्चात उसकी संपदा के शुद्ध मूल्य को। ख, मृतक की विल के अधीन उस आश्रित के बारे में किए गए उपबंध को, यदि कोई हो। ग, दोनों के बीच के नातेदारी की डिग्रियों को। घ, उस आश्रित की युक्तियुक्त आवश्यकताओं को। ड, उस आश्रित और मृतक के बीच के भूतपूर्व संबंधों को। च, उस आश्रित की संपत्ति के मूल्य को और ऐसी संपत्ति से या उस आश्रित के निजी उपार्जन से या किसी अन्य स्रोत से व्युत्पन्न किसी आय को। छ, इस अधिनियम के अधीन भरण पोषण के हकदार आश्रितों की संख्या को। 24, भरण पोषण के दावेदार को हिंदू होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि वह किसी अन्य धर्म से संपरिवर्तित होने के कारण हिंदू ना रह गया हो तो इस अध्याय के अधीन भरण पोषण का दावा करने का हकदार ना होगा। 25, परिस्थितियों में तब्दील होने पर भरण पोषण की रकम में कितना परिवर्तन किया जा सकेगा। यदि परिस्थितियों में कोई ऐसी तात्विक तब्दीली हो जाए जिससे भरण पोषण की रकम में परिवर्तन करना न्योचित हो, तो भरण पोषण की रकम चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात न्यायालय की डिक्री द्वारा या करार द्वारा निश्चित की गई हो, तत्पश्चात परिवर्तित की जा सकेगी। 26, ऋणों को पूर्विकता दी जाएगी। धारा 27 में अंतिवृष्ट उपबंधों के अध्याधीन यह है कि मृतक द्वारा हर प्रकार के संविदाकृत या संदेह ऋणों को उसके अपने आश्रित के इस अधिनियम के अधीन भरण पोषण के दावे पर पूर्विकता दी जाएगी। 27, भरण पोषण कब भार होगा। इस अधिनियम के अधीन किसी आश्रित का भरण पोषण का दावा मृतक की संपदा या उसके किसी प्रभाग पर तब के सिवाय भार नहीं होगा जबकि मृतक की विल द्वारा न्यायालय की डिक्री द्वारा आश्रित और संपदा या उसके प्रभाव के स्वामी के बीच के करार द्वारा या अन्यथा ऐसा कोई भार सृष्ट न किया गया हो। 28, भरण पोषण के अधिकार पर संपत्ति के अंतरण का प्रभाव। जहाँ की आश्रित को किसी संपदा में से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है और ऐसी संपदा या उसका कोई भाग आंतरिक किया जाता है, तो यदि आंतरिती को उस अधिकार की सूचना है या यदि वह अंतरण अनुग्रहिक है, तो भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकार का प्रवर्तन अंतरिती के विरुद्ध कराया जा सकेगा, किंतु ऐसे अंतरिती के विरुद्ध नहीं जो सप्रतिफल अंतरिती है और जिसे उस अधिकार की सूचना नहीं है। अध्याय 4, निरसन और व्यावृत्तियाँ। 29, निरसन। निरसन और संशोधन अधिनियम 1960, 1960 का 58 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा निरसित। 30, व्यावृत्तियाँ। इस अधिनियम में अंतर्वृष्टि कोई भी बात इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किए गए किसी भी दत्तक पर प्रभाव नहीं डालेगी तथा ऐसे किसी भी दत्तक की विधिमान्यता और प्रभाव का अवधारण ऐसे किया जाएगा मानो यह अधिनियम पारित ना किया गया हो।